हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बहुत कॉमन पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में, हाउ टू रिवर्स कैविटी। दांतों में अगर आपके कैविटीज हो गई है तो इसको कैसे रिवर्स करें, घर में ही कैसे ठीक करें, हो सकती है प्रोसेस हम समझेंगे। शुरू करते हैं। चैनल में अगर नए हैं या पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन के लिए। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। जो आपका नॉर्मल दांत होता है उसके ऊपर ऐसा ब्लैक सा अगर लगने लग गया है, फोटो में आप देखेंगे, तो ये क्या है, ये केरीज है, जिसको हम जनरल भाषा में बोल देते हैं कैविटी, गड्ढे। अगर आपको खाना फंसने लग गया है और बहुत समय से आपको है, बहुत गहरी आपकी कैविटी हो रही है, तो आप इसको फिलिंग करा लें, ज्यादा अच्छा है, इसमें रेस्टोरेशन करा लें तो ये डीप नहीं होगी, गहरी नहीं होगी और दांत आपका आगे सड़ने से बच जाएगा। लेकिन अगर आप इसको घर में ही ठीक करना चाहते हैं, स्टार्ट हुई है तो समय लगेगा, कुछ अभी हम समझेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक हो सकती है। पेशेंस आपको इसमें बहुत जरूरी है, ये ऐसी हो सकती है कैसे, तो सबसे पहले ये समझना है आपको। हम बात कर रहे हैं हाउ टू रिवर्स, इसको रिवर्स कैसे करें, तो सबसे पहले समझिए आप, बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे कि ये होती कैसे है। देखिए, खाना हम खाते हैं, फूड डेब्रीज हमारे मुंह में रह जाती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स मुंह में फंसे रह जाते हैं। अगर आप इनको अच्छे से साफ कर भी लेते हैं तो भी दांतों के बीच में, जो हमारे दांत होते हैं इनके बीच में खाना फंसा रह जाता है और ज्यादातर यहाँ से ही सड़न देखने को मिलती है, और जब भी यहाँ पे सड़न रहेगी तो दो दांतों को खराब करती है। तो फूड डेब्रीज हैं, उनमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, उनको फूड डेब्रीज खाने को मिलती है, ग्रो करते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एसिड निकालते हैं। वो जो एसिड है वो आपके दांत के मिनरल्स को खत्म करने का काम करता है, खाने का काम करता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और धीरे धीरे जो ये आपका दांत है, इसकी जो ऊपर की लेयर है वो इनेमल होती है, इनेमल हम बोलते हैं, वाइट लेयर जो आप देखते हैं मिनरल्स से बनी होती है, तो इनको डीमिनरलाइजेशन का काम करती है और केरीज बनाती है। इसको ही समझने के लिए कैविटीज बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं, गड्ढे, खाना फंसने लग जाता है। तो ऐसा कुछ आप अगर देख रहे हैं तो ये केरीज है। अब इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, एक बात आपको ध्यान में रखना है, ऐसी कोई दवाई नहीं है कि ये एक दिन, दो दिन, चार दिन में ठीक हो जाएंगे लगाने से। उसके लिए फिर रेस्टोरेशन है, फिलिंग है, जो हम बता रहे हैं वो टूथ कलर की फिलिंग, दांत के कलर की फिलिंग आप करा सकते हैं। रिवर्स करना है तो बहुत ज्यादा आपको केयर रखनी पड़ेगी। सीधे सॉल्यूशन में आते हैं, क्या सॉल्यूशन है, सबसे पहला है पेशेंस। पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे, टाइम इसमें लगेगा। और हम बात कर रहे हैं रिवर्स कैविटी, हम हाउ टू रिवर्स कैविटी, उल्टा कैसे करें, तो ये हमने प्रोसेस इसलिए समझी कि हमको इसे उल्टा करना पड़ेगा। केरीज लगी हुई है तो हम सबसे पहले हमें चाहिए कि एसिड ना बने जो कैरीज कर रहे हैं, गड्ढे कर रहे हैं, कैविटी बना रहे हैं। एसिड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बैक्टीरियाज, तो बैक्टीरियाज ने लगे सबसे पहले, और बैक्टीरिया, हम उल्टा चल रहे हैं, और बैक्टीरिया कैसे नहीं लगेंगे, जब फूड डेब्रीज नहीं बनेगी, बैक्टीरिया को कुछ खाने को नहीं होगा, बैड बैक्टीरियाज जो होते हैं, तो इसके लिए हमें क्लीनिंग करनी पड़ेगी। दो ही चीजें हैं जिस पर फोकस करना है, पहला रिमूव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हटाना है, उसके लिए हमें क्लीनिंग रखनी पड़ेगी। क्लीनिंग कैसे आपको रखना है, हमने पहले भी कई बार बात की है, टू टाइम ब्रशिंग करनी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कुछ बातों का, आपको ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरियाज जब खत्म होते हैं तो हेल्दी बैक्टीरियाज भी खत्म होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी खत्म, हमको कुछ बातों का ध्यान रखना भी बताएंगे ताकि जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो रहे। चलिए, तो सफाई कैसे करनी है, सुबह एक बार आपने ब्रश कर लिया, रात को सोने से पहले आपको एक बार ब्रश करना है,
खाने के तुरंत बाद आपको ब्रश नहीं करना है। हम बात कर रहे हैं डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन हो रहा है उसको हमको, सेकंड चीज क्या है, सेकंड जो आपको ध्यान रखना है रीमिनरलाइजेशन होना चाहिए। पहला बैक्टीरिया हटाएंगे, दूसरा रीमिनरलाइज करेंगे, जो इनेमल हमारा हट गया है उसको वापस लाने का काम करेंगे। तो ये दो ही सॉल्यूशन है। तो पहले हमने सफाई अच्छे से रखना स्टार्ट कर दिया, इसके बाद खाना खाने के बाद आपको ब्रश नहीं करना है तुरंत, उससे आपका इनेमल और घिसेगा। तो कुल्ले आप कर सकते हैं पानी से, सिंपल पानी से कुल्ले आप कर सकते हैं, दांतों के बीच में कुछ फंसना नहीं चाहिए आपको। अब आगे चलते हैं कि रीमिनरलाइजेशन कैसे होगा, इसके लिए क्या करें फिर हम। सबसे अच्छी बात है रीमिनरलाइजेशन जो है आपका जो सलाइवा है आपके मुंह में उससे ही होता है, उसमें ही प्रॉपर्टी होती है कि वो रीमिनरलाइजेशन करेगा। तो अगर सिर्फ आप क्लीन रखने लग जाते हैं, कुछ फंसता है उसको निकाल दीजिए, साफ रखने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा अगर आपके दांत में नहीं फंस रहा है और सड़न लगना स्टार्ट ही हुई है, तो ये धीरे धीरे रीमिनरलाइज करने लग जाएगा आपका सलाइवा ही। टाइम लगेगा, 6 महीने से ज्यादा का समय इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बोला था पेशेंस आपको रखें, 6 महीने से ज्यादा का समय भी लग सकता है, लेकिन पहले से काफी ठीक होने लग जाएगा अगर आप क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं, सलाइवा खुद से रीमिनरलाइज करने लगेगा। तो क्लीनिंग की हमने बात की, अवॉइड माउथ वॉशेस, हम माउथ वॉशेस की बात करते हैं कि कुल्ला हमें, इसलिए आपको बोलता हूं मैं लास्ट तक वीडियो आपको देखना है, अभी ऑयल पुलिंग को मैं हमेशा बताता हूं आपको करना है, वो भी अवॉइड करना है, समझते हैं। तो जो एल्कोहल माउथ वॉशेस हैं वो आपको नहीं करना है, क्लोरहेक्सिडीन वाले जो माउथ वॉशेस हैं वो आपको कंटिन्यू यूज नहीं करना है। इसके बाद अवॉइड ऑयल पुलिंग, ऑयल पुलिंग हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है, मसूड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको कैरीज की प्रॉब्लम है और आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो फ्रिक्वेंट नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि डेली ही करना है, हफ्ते में 1-2 बार भी अगर आप कर लेंगे तो काफी है, बाकी के दिनों में नहीं करना है आपको। ऐसी डाइट आपको लेना है, ऐसे फूड आपको इंक्लूड करना है अपनी डाइट में जो मिनरल से भरपूर हो, जो रीमिनरलाइजेशन में मदद करें आपके दांत को। उसके लिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मिल्क आप अपनी डाइट में ले सकते हैं, दूध आप ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं, साथ साथ में चीज वाली चीजें हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। ये ही अगर आप करने लग जाते हैं तो काफी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं एक बार चेकअप करा सकते हैं। रीमिनरलाइजेशन टूथपेस्ट आते हैं तो ये भी आपके हेल्प कर सकते हैं कि रात को आपने सोने से पहले इन टूथपेस्ट से पेस्ट कर लिया, ब्रश कर लिया सॉरी, तो रीमिनरलाइजेशन रात भर होता रहेगा, रात भर कोई और एक्टिविटी नहीं हो रही है, सलाइवा भी मुंह में है, आपने ये किया हुआ है, इसमें जो कंटेंट है टूथपेस्ट में वो भी रीमिनरलाइजेशन में मदद कर रहे हैं, धीरे धीरे कैविटी हील हो सकती है। इतनी केयर रखना शुरू करें बिल्कुल ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। डेब्रिस बहुत ज्यादा है, दांतों में बिल्कुल गंदगी लगी हुई है, एक बार क्लीनिंग करा लें, क्योंकि डेब्रिस आप ब्रशिंग से करेंगे, ब्रशिंग भी बहुत हार्ड आपको नहीं करनी है, ब्रशिंग टेक्निक भी बताई हुई है, धीरे धीरे आपको साफ करना है। तो दांतों के बीच में सफाई नहीं हो पाती है, निकल नहीं पाता है, मसूड़े जो होते हैं हमारे वहां फंसा हुआ है, अगर वहां सफाई नहीं हो पाती है तो एक बार क्लिनिकली जाके अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है उससे अच्छे से क्लीनिंग करा लें आप, फिर सारी चीजें आप अच्छे से मेंटेन करें, देखिए रीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे आप केरीज को रिवर्स कर सकते हैं। चलिए ध्यान रखिए, स्पेशली बच्चों में अगर ऐसा है तो उनपे आपको खुद से ध्यान रखना होगा, उनपे आप ध्यान रखिए, क्लीनिंग उनकी कराइए ताकि उनके भी जो कैविटीज लगी है वो ठीक हो। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करिए, और ध्यान रखिए अपनी ओवरऑल हेल्थ का, अपनी डेंटल हेल्थ का। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।